ऐसे कई आए मेहमान, मैं बिलखसूस कहांगा कि सुभाष चोपड़ा साहब माशाल्लाह दिल्ली दे विच वकील ने इस वेले 1947 जदों शबीर हुसैन साहब हैडमास्टर सी इत्थे दे उन्हां दे जमाने विच उन्होंने मैटर किया इत्थों पार्टीशन दे टाइम ते उस तो बाद वो फाजल का चले गए हैड सुलेमान की क्रॉस करके अबोर रहे उस तो बाद उन्होंने एक खालू से उन्होंने तो लैके उन्हें ला किया प्रैक्टिस कर उन्होंने बड़ी मुहब्बत है 2004 च इत्थे आए ने इत्थे मेहरान होटल च ठहरे ने टक्की ते उन्होंने क्लास फैलो से उन्होंने वो मिले ने जाके फिर साड़ा इदारा विजिट किया उन्होंने रूम है जी जिहदे विच सिख सरदारा ने मुसलमाना ते हिंदुआं नूं पढ़ाया ईसाइयां नूं पढ़ाया ये उही क्लास रूम है जिथे एक मुसलमान उस्ताद ने हिंदू और सिख और ईसाइयों ने पढ़ाया इतने ये उही क्लास रूम है जैसे एक हिंदू उस्ताद ने तमाम मुसलमाना और सिखा पढ़ाया और धर्म की कोई तमीज़ नहीं सी उस वक्त तो सब ने इकट्ठे करके पढ़ाया। ये मेरे बैग से तुम देख रहे हो कि माशाल्लाह ये पिपल का दरख्त है, ये काफ़ी पुराना दरख्त है, ये वो दरख्त है कि इन्हें बहुत सारे धर्म के लोगों ने इकट्ठे इतने बैठे देखे खेलते दे देखिया पढ़ते दे देखिया बड़िया खूबसूरत यादा इस दरख्त के नाल उन्हों दी है ने जिते कि भी ये लोग बैठे ने अगर अल्लाह ने उन्होंने सलामत रखे तो अपने इस निशानी में देख सकते हैं। कब्ज़ुल वसूल तनख्वाह मुलाजमीन डी बी स्कूल पाकपतन 1998 हेड मास्टर का नाम जिन्हें तनख्वाह उस जमाने की नहीं ली है ये पहला है पहला नाम है यानी हैड मास्टर का ठाकुर तारा चंद बी ए किया हुआ था उन्होंने किया सी उन्होंने तो 84 रुपये तनख्वाह उन्होंने मिली है जी। फिर चौधरी सरवर खान दूसरे मुस्लिम आ गए सैकेंड हैंड मास्टर 60 रुपये तनख्वाह लाला देविया तल मिर्जा माशकी 6 रुपये तनख्वाह मुसम्मत भागा खाक रूबा 6 रुपये तनख्वाह जनाब असिस्टेंट इंस्पेक्टर बहादुर मदारस हल्का लाहौर वाकया 11 मार्च 1904 जमातों ने अव्वल गुरमुखी दोम गुरमुखी क्लासेज हैं गुरमुखी दिया गुरमुखी अव्वल क्लास दोम गुरमुखी सोम गुरमुखी क्लास है ये अंसारी साहब जड़े ने उन्होंने सरदार आका सिंह वल्द साकर ठाकुर सिंह उन्होंने वाला चार्ज इन्होंने को आया सैयद सरवर अली शाह साहब के कोल लाला सदानंद साहब उन्हों का आया फिर लै मुहम्मद हाजी मुहम्मद असमाइल पंडित काबी राम जड़े से उन्होंने को चार्ज जरा इन्होंने को आ गया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਕਪਤਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹਨ
जिहड़े लोग इत्थे माशाल्लाह अपना सुनहरी दौर जिंदगी दा बेफिक्री दा दौर गुजार के गए ने वह कम अज़ कम अपनी यादा नूं ताज़ा कर सकन। वह दुनिया के जिस खिते च भी बैठे ने, बेशक पाक पतन तो जाके इंडिया के जिस भी डिस्ट्रिक्ट बैठे ने या कनेडा च बैठे ने, यूके च बैठे ने, अमेरिका जिते भी बैठे ने, वह कम अज़ कम अपने जो मादर इलमी है उनकी यादा जरूर ताज़ा कर सकन। ये मेरी ख्वाहिश है। कमरे बहुत पुराने ने साडे कोल, एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1925 जो हैर सुलेमान की बनया सतलुज वैली प्रोजेक्ट आया तो उस वक्त बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिता है तो सानू ये बना के दिते ने। मैं खुद भी इन्होंने कमरों से पढ़िया। सर जी मतलब जो पार्टीशन तो पहले जो इतने केड़े धर्मों के लोग अपने इतने स्कूल पढ़ते सी, मतलब केड़े मसले? हाँ जी, इतने माशाल्लाह उस्ताद भी सी, उनका रिकॉर्ड भी अपने को मौजूद है, स्टूडेंट्स का भी मौजूद है और असातज़ा का भी मौजूद है। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब ने लोगों ने काम किया, सब कट्ठे सब। ये सर जी मतलब कि क्लासा भी सारे कट्ठे अपनी अपनी क्लास? हाँ जी बिल्कुल। और असं थानू माशाल्लाह दिखाने कि किस तरह से मुस्लिम और हिंदू और सिख ये तीनों ही कौमों के जोड़े वो बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, यानी वो है नाम बकायदा क्लासिस के अगर फर्ज किया 44 बच्चे ना तो हर बच्चे की परसेंटेज है कि हाँ जी इन्ने के बच्चे वो ने इन्ने दूसरे ने, मिली जुली ये चीज़ मल्टी चीज़ चल रही है। रूम है जी जिदे सिख सरदारा ने मुसलमाना तो हिंदुओं को पढ़ाया, ईसाइयों को पढ़ाया। ये उही क्लास रूम है जिथे एक मुसलमान उस्ताद ने हिंदू और सिख और ईसाइयों को पढ़ाया। इत्थे ये उही क्लासरूम है जैसे कि एक हिंदू उस्ताद ने तमाम मुसलमाना और सिखां नू पढ़ाया और उहदे विच धर्म की कोई तमीज़ नहीं सी उस वक्त, तो सब ने इकट्ठे करके पढ़ाया। सर जी ये जिहड़ा हैगा ये उनके नाल अटैच सी जिहड़ा पहले असीं हिस्सा वेख्या कि ये अलग ही बनया होया? नहीं, ये भी इस जिस तरह वो हाल कमरे नाल और बरामदे नाल अटैच सी ना जी, इस तरीके ये भी हाल कमरा दे नाल अटैच सी। इन्हां दा बरामदा एक ही डिजाइन दा सी, कॉमन सी बरामदा। ठीक। उंदियां सर जी चार क्लासां उधर सी? चार क्लासां, तीन क्लासां उधर सी, तीन क्लासां इधर सी, चार उधर ने चार इधर ने। ठीक। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ਲੀ ਕਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦਾ ਮਿਆਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਵਰਚੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਸ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ? ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ
काफ़ी पुराना दरख्त है। ये वो दरख्त है कि इन्हें बहुत सारे धर्म के लोगों ने इकट्ठे इतने बैठे देखा, खेलते देखा, पढ़ते देखा, बड़ी खूबसूरत यादा इस दरख्त के नाल उन्होंने है। जिते कि भी ये लोग बैठे ने, अगर अल्लाह ने उन्होंने सलामत रखे तो अपने इस निशानी में देख सकते हैं। ठीक, एक भी पार्टीशन तो पहलों के दरख्त है, अंग्रेजों के लवाए हुए। सही, मतलब सर जी दरख्त वो ने जिन्होंने सारा कुछ देखा है। हाँ, इन्हें बहुत सारे लोगों ने वेख्या, जो दुनिया से है गए, जो दुनिया तो नहीं, जो आ गए सारा ही देखे इन्होंने। सर जी तुम इस स्कूल पढ़े जी, तो ज़्यादा टाइम तो स्कूल ही गुजरता है, क्योंकि असं देखने बच्चे घर जाते हैं ट्यूशन या मतलब स्कूल ज़्यादा टाइम देंगे दे जी जी। तो सर जी सूँ ये दसो कि वंड तो बाद जी जी कभी इस तरह होया कोई सरदार या कोई हिंदू फैमिली के बच्चों कभी कोई स्टूडेंट या कोई इतों का टीचर कभी अपना स्कूल देखने आया हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कई आए मेहमान। मैं बिलखसूस कहाँगा कि सुभाष चोपड़ा साहब माशाल्लाह दिल्ली के वकील ने इस वेले 1947 जो शबीर हुसैन साहब हेडमास्टर से इतने के उन्होंने जमाने उन्होंने मैटर किया इतों पार्टीशन के टाइम पर। उस तो बाद वो फाजिलका चले गए हैड सुलेमान की क्रॉस करके अबोहर रहे। उस तो बाद उन्होंने एक खालू से उन्होंने तो लैके उन्होंने ला किया प्रैक्टिस कर, उन्होंने बड़ी मुहब्बत है। 2004 इतने आए हैं, इतने मेहरान होटल से ठहरे ने, टक्की उन्होंने क्लास फैलो से उन्होंने वो मिले ने जाके, फिर साड़ा इदारा विजिट किया उन्होंने। उस अपनी जिते जिते वो पढ़े ने, जिते जिते उन्होंने यादा ने, पुराना तहसील ऑफिस देखे उन्होंने, राजबाह देखे उन्होंने जिते नादे से, वो अपन सारिया यादा ताज़ा करके गए ने। दोस्त उन्होंने टक्की से उस जिंदा से उन्होंने मिल गए ने, मिल के गए ने एक तरखाना बंदा लड्डी नाम का, उसने मिल के बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने बचपन का क्लास फैलो भी सी, दोस्त भी सी। फिर इस तो अलावा पाकपन महला समाधान वाला है। हाँ जी, इस दे विच एक डॉक्टर साहब है ने, उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू सुनिया, आए तो शायद नहीं इतने लेकिन उन्होंने ज्यादा बहुत ज़्यादा है इतने, उन्होंने दसा जी मेला भी लगता बाबा फरीद का। सही, लेकिन जो सुभाष चोपड़ा साहब है ना, उन्होंने इनफॉरमेशन बहुत ज़्यादा है। बाबा साहब के बेइज्जती दरवाजे चाबियाँ किस कोल सी? अच्छा। एक चाबी चिश्ती फैमिली को, एक हांडा फैमिली हिंदू से जो फाजिलका के बाद पाक पता नहीं आ गया से, यानी उन्होंने को चाबियां सी और उन्होंने वालद शायद मेयर से वो कह रहे थे इतने के जी। सर जी कुछ रिकॉर्ड भी तुसी पुराना सानू दिखाना सी जी, ते बिल्कुल मौजूद है दे विच माशाल्लाह बड़े सालां दा रिकॉर्ड सारा, ता वीडियो बहुत छोटी है ओदे लई, ते जितना है मैं कुछ चंद एक चीज़ां जिहड़ियां ना तुहानू दिखावांगा माशाल्लाह, जिन्हें हिस्टरी जिन्हें हिस्टरी का दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने यकीन दिल्ली खुशी होगी। दिखाऊंगा रिकॉर्ड के मुताबिक माशाल्लाह मेरे को इस वक्त यानी पुराने रिकॉर्ड जोड़े एक बड़ी मशहूर चीज़ है वो है 1945 तो लैके 1948 तक की ऑर्डर बुक हैगी है, जिद माशाल्लाह तुम देखोगे कि हैरान कम चीज़ा जोड़ियाँ मौजूद हैं और यानी कब्जुल वसूल तनख्वाह मुलाजमीन डी बी स्कूल पाक पतन 1998 उस वक्त का ना डी बी स्कूल से। यानी ये जी हैड मास्टर का नाम जिन्हें तनख्वाह उस जमाने की नहीं ली है, ये पहला है, पहला नाम है यानी हैड मास्टर का ठाकर तारा चंद, बी ए किया हुआ था उन्होंने, किया सी उन्होंने, तो 84 रुपये तनख्वाह उन्होंने मिली है जी। फिर चौधरी सरवर खान दूसरे मुस्लिम आ गए सैकेंड हैंड मास्टर 60 रुपये तनख्वाह, लाला देविया तल थर्ड हैंड मास्टर, फिर लाला देविया तल उन्होंने एक जगह 45 रुपये तनख्वाह है, दूसरे भी इसी हम नाम ही ने लाला देविया तल, इन्हें फोर्थ हैंड मास्टर ने इन्हों 40 रुपये तनख्वाह है। पंडित भगवान दास संत सिक्रट टीचर ये इन्हों 21 रुपये तनख्वाह सी, इन्होंने वो वसूल की। मुंशी हरी सिंह फस्ट ओरेंटियल टीचर 35 रुपये तनख्वाह, मौलवी बदरुद्दीन ये सैकंड टीचर है 27 रुपये तनख्वाह, मौलवी फतेह मोहम्मद 25 रुपये तनख्वाह, मौलवी मोहम्मद शरीफ 16 रुपये तनख्वाह, मुंशी रायचंद 7 रुपये तनख्वाह, पंडित गिला राम फिफ्थ टीचर जो है ये 19 रुपये तनख्वाह, मौलवी अली मोहम्मद वर्जश मास्टर जिसको PT मास्टर कहते हैं आजकल 20 रुपये तनख्वाह, नथू राम चपड़ासी
इसकी 8 रुपया तनख्वाह, मिर्जा माशकी 6 रुपया तनख्वाह, मसम्मत भागा खाक रूबा 6 रुपया तनख्वाह, बाकी आगे वो स्टेशनरी के पैसे हैं, कंटेंजेंट जी अब्दुल अफसोस तनख्वाह, तनख्वाह बोर्डिंग हाउस नंबर 2, यानी कि दूसरा सी है, मौलवी फतेह मोहम्मद सुपरडेंट 5 रुपये तनख्वाह, मुसम्मत भागा बीबी खाक रूबा 1 रुपया तनख्वाह, ठाकुरदास मालक मकान उसका गल मैंने छोटा होएगा तो यह 10 रुपये किराया है। अब असिस्टेंट इंस्पेक्टर बहादुर मदारस हल्का लाहौर वाक्या 11 मार्च 1904, आज हमने आज डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर साहब की मदद से बारौनक स्कूल का हिस्सा प्राइमरी का मुआयना किया और उसमें रजिस्टरों का हाल ये है, जमात अव्वल गुरमुखी, दोम गुरमुखी क्लासेस हैं गुरमुखी दियाँ, गुरमुखी अव्वल क्लास, दोम गुरमुखी, सोम गुरमुखी क्लास, सोम गुरमुखी फरीक ए, जमात अव्वल अबजद खान उर्दू, ये उर्दू ए उर्दू पढ़ाने वास्ते भी सी, जमात दोम प्राइमरी, जमात सोम ए उर्दू वालियाँ आ गई। बाबा फरीद शकरगंज में अफसरान पुलिस हसब दस्तूर सबका मकान बोर्डिंग में ठहरेंगे, में ठहरेंगे और ये डेट लिखी है कि 29-30 माह हाल इसकी तारीख जो 9 दिसंबर तक ब्रांच में स्कूल जो है वो बंद रहेगा, यानी मेले की दी छुट्टियां जिमें होंदिया सी ये वो ही चीज़ हैगी, नीज़ वाज़े रहे कि 29 जो माह की जो तारीख है को अखीर रुखसत होगी, 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ततीलात हैं। ये रिकॉर्ड जी साढ़ा 1/11/47 का कि असाज़ा कराम अपने नाम के मुकाबल लिखे हुए गैर मुस्लिम असाज़ा की मुकम्मल चार्ज की रिपोर्ट 13/11/47 4 बजे शाम तक मेरे पास करें, जो सामान मिलिट्री के नुकसान करने में शामिल किया जा चुका है उसे नज़रअंदाज किया जाएगा किया जावे, इसके अलावा अगर कोई चीज़ इन गैर मुस्लिम असहाब के बाद में साबित हुई तो साहबान मुतलका ही जिम्मेदार गिरदाने जाएंगे, यानी ये उन्होंने ये लिखा जी कि ये जो टीचर गैर मुस्लिम असाज़ा दी जो स्कूल दी जिम्मेदारियां सी, जिस तरह को लाइब्रेरी का चार्ज आता है, साइंस रूम का चार्ज आता है, ये चार्ज अगर उन्होंने कोल है सी तो यह मुस्लिम असाज़ा दे कोल आ गया तो जिहड़े चले गए उन्होंने नाम भी लिखे कि जगह किन्ने चार्ज संभाले, ये अंसारी साहब जिहड़े ने उन्होंने सरदार आका सिंह वल्द साकर ठाकुर सिंह उन्होंने वाला चार्ज इन्होंने कोल आया, सैयद सरवर अली शाह साहब के कोल लाला सदानंद साहब उन्हों का आया, फिर लै मुहम्मद हाजी मुहम्मद असमाइल पंडित काबी राम जड़े सी उन्होंने को चार्ज जरा इन्हों को आ गया, मास्टर मुहम्मद मुस्तफा साहब इन्हें सरदार नंद सिंह साहब उन्होंने वाला आया, एम नज़र अहमद खान उन्होंने को आया जी, लाला मोलरिज साहेब, एम अजीज़ बख्श उन्हों का सरदार दलीप सिंह उन्हों वाला, सैयद यूसुफ हुसैन साहब उन्होंने ज्ञानी सतनाम सिंह, तो उस तो बाद नंबर 8 जड़ा है चौधरी नूर अहमद साहब जड़ा ना उन्होंने कोऑपरेटिव शॉप यानी ज्ञानी सतनाम सिंह उन्होंने वाला आया, ये को शॉप होएगी ना उन्होंने, मुकर्रब साहब ये बशन सिंह ये क्लर्क सके। मैं अपने स्कूल दी मार्फत ये स्कूल दे इस मादरे इलमी दे जिन्ने भी बेटे ने प्यारे बेटे ने अल्लाह उन्होंने सिंधा ने मजीद खुदा उन्होंने जिंदगी देवे, अगर तुहानू जिंदगी दे जिस मोड़ ते भी मौका मिले इस स्कूल में विजिट करन दा, इस क्लासरूम्स नू देखन दा, क्योंकि हुण साडे को वक्त बहुत थोड़ा रह गया कि इस क्योंकि गौरमेंट ने इनू डेंजरस करार दे दिता है, इस तो बाद बिल्डिंग दोबारा बननी है सर इन्हों, तो अगर वो दोरा दीवार जिन्होंने थोड़ी मुहब्बत है जिन्होंने थोड़ी यादा ने अगर तुम देखना चाहते हो तो सानू खुशी होएगी कि तुम कानूनी तकाजे पूरे करके आके तो इन अपने दोरा दीवारा दे नाल अपनी यादा ताज़ा कर सकते हो, सानू अपने मेहमानों की खिदमत करके ज़्यादा खुशी महसूस होएगी।